बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन प्लान की, जिसका साइज की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ 15 बाई 22 है, 15 चौड़ाई और 22 इसकी लंबाई। ये मॉडल आप देख पा रहे होगे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भी ट्रांसपेरेंट मॉडल है। यहाँ पर मैंने 3 फ्लोर बनाए हैं, ग्राउंड फर्स्ट और सेकेंड। आप पूरा डिस्कस करेंगे ऊपर से लेकर नीचे तक इसके अंदर क्या है। ये भी ट्रांसपेरेंट है, मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी अगर रिमूव कर दूँ तो आप देख सकते हो आप ये ऐसा दिखने वाला है प्लान, फ्रंट से ऐसा दिखेगा और टॉप से ऐसा दिखेगा, आप पूरा देख सकते हो मॉडल। तो इसको डिस्कस करेंगे, तो बने इस वीडियो में लगातार। मैं हूँ पवन छागड़े और आप देख रहे हैं दोस्तों अपना चैनल न्यू टेक। इसका यहाँ पर आपको बहुत सारे लेटेस्ट एंड अपडेटेड वीडियो लगातार मिलते रहते हैं, और यदि आप चाहें तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन मॉडल मिलते हैं। जो भी आपके लिए सुटेबल है वो आप घर बनवा सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे नक्शे पड़े हुए हैं, देख सकते हो 10 बाई 30, 20 बाई 35, 15 बाई 30, मतलब बहुत सारे हैं जो आपका सुटेबल और जो भी आपके पास जगह है उस टाइप का बना सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलो हम लोग डिस्कस करते हैं इस मॉडल को। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा आपका ग्राउंड फ्लोर, तो मैं आपको ग्राउंड फ्लोर पर ले चलता हूँ। तो मैं इसकी अगर चौड़ाई मैंने बता भी दी, वैसे फिर से बता देता हूँ, इसकी 15 है चौड़ाई और लंबाई की बात करूँ तो 22 फिट है दोस्तों। ठीक है, 15 बाई 22 का मकान है, आप देख सकते हो। मैं सबसे पहले इसका पोर्शन आपको डिफाइन कर देता हूँ, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। इसमें है क्या, अगर हम पीछे वाले पोर्शन की बात करें तो मैंने 10 फिट का निकाल दिया है। इस चौड़ाई की बात करें 10 है, और सॉरी चौड़ाई तो इसकी है पूरी 15 और ये है 10 फिट, तो मैंने ये 10 का पोर्शन निकाल दिया जिसमें कि ये पूरा 15 फिट था। तो इसमें मैंने 11 फिट ये, ठीक है, इसमें 10 बाई 10 का रूम निकल आएगा और जो 6 फिट जगह बचेगी 5 फिट वो उसमें आपका ये एक पोर्शन निकल आता है। मैं बताऊंगा ये पोर्शन क्या है दोस्तों। और इसके बाद ये 10 तो ये निकल गया और 22 फिट ये था, तो लगभग 10 से ये 10 और 11 फिट बचेगा, क्योंकि कुछ दीवारें ही बन जाएंगी, तो 11 फिट ये बच जाएगा। अब इस 11 फिट में मैंने ये पोर्शन जो है 6 बाई 6 का ये निकाल दिया है, 6 बाई 5 का, सॉरी 6 बाई 5 का ये पोर्शन निकाल दिया। अब इसमें आप पर डिपेंड करता है कि अपना आप यहाँ पर किचन बनाते हैं लेटरिन बाथरूम, क्योंकि स्पेस ये भी वेस्ट है ये भी वेस्ट है। वैसे आप इसको अपना लेटरिन बाथरूम बना लें और इसमें अपना आप पूरा किचन एडजस्ट कर सकते हैं, जो मैंने ये पोर्शन निकाला। इसके बाद आपके पास ये काफ़ी जगह बच जाएगी कि मैंने राउंडेड सीढ़ी दी है स्टेयर्स, जिसमें कि क्योंकि जगह कम इस वजह से बड़ी सीढ़ी नहीं लग पाएगी, आप राउंडेड ही रहने दें। ये आपका लगभग 4 फिट में आपका चौड़ाई में ऊपर तक पहुंच जाता है। और ये मैंने वेंटिलेशन के लिए इसमें एक खिड़की दे रखा है, ये ऊपर दे रखा है, ये इस ऊपर दे रखा है, और यहाँ पर ये दरवाजे दे रखे हैं। और फ्रंट की बात करें तो मेन डोर ये है और ये एक खिड़की दे रखा है। ये डिजाइनिंग के लिए आप कुछ भी खड़ा कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ से एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सोफा डाइनिंग टेबल सब कुछ पड़ा है। और ये आपका बेहतरीन से एक ही रूम निकल पाएगा, क्योंकि हमने सारी चीज़ें अभी स्टार्टिंग में ही बना दी है। किचन बाथरूम की बात करें, लेटरिन बाथरूम, किचन की बात करें, सब कुछ यहीं पर है। अगर आप एक फ्लोर भी बनवा लेते हैं तो आसानी से रहना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हो गया ग्राउंड फ्लोर। अब बात करूंगा मैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। जैसे आप फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचेंगे तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल सेम मॉडल नीचे वाला है, लेकिन बस जो जहाँ पर ये मैंने बोला था किचन बनाने ने वो हटा दिया, तो एक बड़ा सा बेडरूम आपका 15 बाई 10 का ये निकल आता है। यहाँ पर 2 बेड डाल सकते हो। और इसके बाद ये जो पोर्शन था ये मैंने 4 फिट का ये गैलरी निकाल दिया है, जो जीना था ये 4 फिट का गैलरी, ये 5 फिट का है टोटल, 5 फिट चौड़ाई ये मैंने निकालने के बाद एक ये रूम निकाल दिया है बेहतरीन सा। अब इस रूम में एंटर करने के लिए, अब जैसे ऊपर से आएंगे सीढ़ियों से, तो आप इस रूम में एंटर करने के लिए आपका गेट दिया है और इसमें आपका ये गेट दिया। अगर चाहे तो इस रूम से भी गेट दे सकते हैं, बट उसका कोई काम नहीं, आप डायरेक्ट इसको यहाँ से ही एंटर करें। और फ्रंट की बात करूँ तो मैंने यहाँ पर लगभग 3 फिट का छज्जा निकाल दिया है बाहर की तरफ, और इस रूम से गेट दे दिया, आप आसानी से यहाँ पर आकर टहल सकते हैं। और ये एक खिड़की दे दी वेंटिलेशन के लिए। तो ये पूरा होगा ग्राउंड फ्लोर की बात। ये अगर हम रूम की बात करें तो ये रूम है, ये क्या कहते हैं 10 बाई 11 का, ठीक है, एक दो रूम आपके निकल जाते हैं, एक बेहतरीन 10 बाई 15, एक ये 10 बाई 11 का रूम, दो आपके रूम निकल जाते हैं, आप देख सकते हो। तो ये फ्रंट से दिख रहा है। अगर लास्ट फ्लोर की बात करें हम थर्ड फ्लोर की, तो आप ये देख सकते हो। और मैं आपको थर्ड फ्लोर पर क्या किया, मैंने सेम बिल्कुल जो पीछे रूम था ये 15 बाई 10 का वो निकाल दिया है, यहाँ पर एक गेट और एक खिड़की लगा दी है। आपको मैं टॉप से दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप सोफा डाल सकते हो, एक बेड भी डाल सकते हो, ये देख सकते हो। और इसके बाद ये जो सीढ़ी थी उसको मैंने कवर कर दिया है और गेट लगा दिया है, यहाँ पर आपका काफ़ी बड़ा स्पेस निकल आ गया जैसा कि नीचे सेम था। तो ये पूरा प्लान था, ये देख सकते हो आप, फ्रंट से ऐसे दिखेगा और टॉप की बात करें तो ऐसे दिखने वाला है, बेहतरीन सा प्लान है। इसमें
आप और भी चीज़ें निकाल सकते हो, अगर आप ऊपर बनवाना चाहो तो ऊपर भी बनवा सकते हो, पूरा डिपेंड करता है। तो मैं आपको ट्रांसपेरेंस करके एक बार और दिखा देता हूँ कि वो ट्रांसपेरेंसी में बेहतरीन सा और ये दिखता है। तो जैसे ट्रांसपेरेंट करते देखिएगा चारों तरफ से आपको देखिए क्या रूम, कितना दीवारें थोड़ी हाइड हो जाती हैं। तो ये बेहतरीन सा मॉडल था, मैंने सोचा डिस्कस कर दूँ। और ये मॉडल एक सब्सक्राइबर के कहने पर ही मैंने बनाया है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि सर 15x22 का मकान बनाया जाए। तो और आपसे गुजारिश करूंगा, अब मेरा एक दोस्तों ये न्यूटेक नाम का हेल्प सॉरी यहाँ पर पेज भी है फेसबुक पर, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसको भी फॉलो कर लें, क्योंकि यहाँ पर भी आपको बेहतरीन प्लान मिलते रहते हैं, मैं लगातार यहाँ पर डालता रहता हूँ। और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आपका कोई भी मकान का नक्शा चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं और मैं आपका नक्शा वो बनाकर दूंगा आपको। और सब लोगों के नक्शे जो भी आप कमेंट करें सब लोगों को पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन हाँ एक मैं रैंडम चूज कर लेता हूँ उसी को बना देता हूँ। सभी लोगों को बनाने पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो आप जरूर बताएं, हो सकता है आपका सिलेक्ट करके मैं बनाऊं। तो और भी मॉडल देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज